हरियाणा सरकार के इस बजट पर आम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और भी प्रतिक्रियाएं जो है यहां पर हम आपको सुनाते हैं। अगर ओवरऑल मतलब नंबर्स की बात की जाए तो 1.87 लाख करोड़ का बजट आता है। पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो 11% का इंक्रीमेंट उसमें लग चुका है, और हर वर्ग, मुझे लगता है हर वर्ग को सोच समझ के और आधार बहुत अच्छा चुना गया। ओवरऑल जो राज्य की, प्रदेश की डेवलपमेंट है उसको आधार बना के इस बार का बजट पेश किया जाता है। बात की जाए महिलाओं की, बच्चों की, उद्योगपतियों की, हर किसी का ख्याल इस बार रखा गया। किसानों का भी ख्याल रखा गया, जवानों का भी ख्याल रखा गया। अब जैसे किसानों की बात की जाए तो 14 फसलों पर उनको MSP देने का ऐलान भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने कुछ कर्जे लिए हुए हैं उसका जो ब्याज है वो माफ करने की बात की जाती है। जवान जितने भी शहीद हुए हैं उन सबको 1 करोड़ की धनराशि देने की बात की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा अंतरिम बजट चंडीगढ़ में विधानसभा में पेश किया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा बजट रहा है। सबसे खास बात ये रही है, अब की बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे महंगाई में लोगों को राहत मिलेगी और युवाओं के लिए, किसानों के लिए भी बहुत अच्छी घोषणाएं सरकार ने की हैं। 2024-25 का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि गांव, शहरों की तर्ज पर गांव में भी विकास कार्य को जो है ध्यान में रखा गया, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो या बाकी गांव के विकास की बात हो। उसके साथ ही अगर हम अगर बात करें तो कोई नया कर जो है वो नहीं लगाया गया, जिससे आने वाला जो 2024-25 का साल है उसे कहीं ना कहीं महंगाई पर भी जो है कंट्रोल रहे।